हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप्तीज किचन। आज की हमारी रेसिपी है रवा ब्रेड टोस्ट। रवा ब्रेड टोस्ट एक बहुत इजी रेसिपी है, इसको आप कभी भी अपने घर पर बना सकते हैं। रवा ब्रेड टोस्ट को आप स्नैक्स में भी ले सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में और ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं ब्रेड रवा टोस्ट बनाने के लिए हमने किन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है। हमने लिया है एक कटोरी रवा सूजी, एक कटोरी मलाई, लाल मिर्च, इसको सेकने के लिए हमने देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या जो भी आप कुकिंग ऑयल अपने घर में यूज करते हैं आप कुछ भी इसमें ले सकते हैं। हरा धनिया, एक कटोरी बारीक चॉप किया हुआ प्याज, एक कटोरी बारीक चॉप किया हुआ टमाटर, टमाटर के हमने सीड्स निकाल दिए हैं, नमक और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और कुछ ब्रेड की स्लाइसेस। चलिए सबसे पहले हम अपना पेस्ट बनाते हैं। हमने प्याज को एक बाउल में डाल दिया है, साथ ही हम इसमें डालेंगे टमाटर, एक बड़ा चम्मच हरा धनिया, एक से डेढ़ चम्मच हरी मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च के बिना भी बना सकते हैं। आप इसमें हरी मिर्च की जगह कैप्सिकम्स भी डाल सकते हैं अगर आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अकॉर्डिंग, लाल मिर्च थोड़ी सी, हमने क्योंकि ग्रीन चिली का इस्तेमाल किया है तो इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखते हुए मिर्च डालें। अब हम इसमें दो से तीन बड़े चम्मच सूजी ऐड करेंगे, साथ ही हम मलाई, तीन बड़े चम्मच मलाई का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं, आप मलाई डालना चाहे मलाई भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास ये दोनों ही चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें ताजी जमी हुई दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए अब हम गैस ऑन करते हैं। जब तक हमारा तवा गर्म होता है तब तक हम ब्रेड की स्लाइस पर पेस्ट को लगा लेंगे। ये देखिए, बाकी की ब्रेड पर भी इसी तरीके से आप पेस्ट लगाइए। हमारा तवा एकदम गर्म हो गया है, अब हम इस पर देसी घी लगाएंगे। अपने टोस्ट को इस तरीके से सेकने के लिए रख देंगे। गैस को हम थोड़ा सा धीमा कर लेंगे जिससे हमारे जो टमाटर और प्याज हैं वो थोड़े क्रिस्पी हो जाएं। थोड़ा सा घी हम टॉप पर भी लगाएंगे। हल्के हाथ से इसको हम प्रेस करेंगे जिससे ये अंदर तक सिक जाए, सूजी हमारी क्रिस्पी हो जाए, उसमें कच्चापन ना रहे, साथ ही टमाटर और प्याज अच्छे से सिक जाए। अब हम एक बार इसको पलट के चेक करेंगे, देखिए इसमें कितना अच्छा सा एक कलर आ गया है, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, सूजी भी हमारी पक गई है। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है क्योंकि सूजी ज़्यादा टाइम नहीं लेती है पकने में। हम थोड़ा सा और इसको क्रिस्पी करेंगे। अब हम इनको पलट लेंगे, देखिए हमारे टोस्ट एकदम पक गए हैं, इनमें गोल्डन कलर आ गया है। दूसरी साइड से भी हम इसको थोड़ा सा सेक लेंगे। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारे ब्रेड रवा टोस्ट एकदम तैयार हो गए हैं, आप इनको एक बार ट्राई कीजिए और अगर आपको ये पसंद आते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये कैसे लगे
और इनको एक बार बनाकर जरूर देखिए एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।